श्री नाथ जी गुरु का आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं गुरु क्षेत्र जय गौरी। हमारा चैनल है ऊर्जा सेंटर तंत्र मंत्र गुरु विद्या, आपका स्वागत है। और आप हर माह यहाँ दीक्षा होती है, हर बार पूछते हो कि दीक्षा कब होगी। दीक्षा हर माह होती है हमारे केंद्र पर। ये हमारा केंद्र है, आश्रम नहीं है। कई लोग पूछते हैं आपका पता दो। केंद्र ये हमारा घर है, इसलिए पता नहीं दे रहे। जब आश्रम बनेगा तो आश्रम होता है, हम डालेंगे, सोलर पंप डाल देंगे हम लोग, ठीक है। और जो कोई व्यक्ति विशेष दीक्षा लेना चाहता है, दीक्षा इच्छुक होता है, शुल्क जमा करके उसको सारी माहिती मिल जाती है। लोकेशन भेज देते हैं, यहाँ का पता और क्या सामग्री लेके आना है, सारी माहिती मिल जाती है। मैं यहाँ पर हर बार होता नहीं हूँ, कुछ कारण से मुझे बाहर भी जाना होता रहता है। इसलिए जिस किसी को संपर्क करना हो, केंद्र नंबर संपर्क करते हैं, तंत्र करवाना हो, कोई भी कार्य हो संपर्क करते हैं। जिसे कुछ कार्य होता है उसी में उपलब्ध होता हूँ। बाकी जो बच्चे दीक्षित हैं, सारे ज़्यादा सिविल मेरे साथ करना चाहते हैं, वो दीक्षित बच्चे कर सकते हैं। जो बच्चे बाहर से दीक्षित हो, उन्हें दीक्षित नहीं है, उन लोगों को अगर करना हो, जुड़ना हो, तो यहाँ केंद्र से दीक्षित होना पड़ेगा। क्योंकि मैं कापर अगुरी श्रद्धा करवाता हूँ, जो श्रद्धा गुरु परंपरा चली जाती है, गुरु परंपरा से सारा चली जाती है साधना, दीक्षित बच्चों को ही करा सकते हैं। इसलिए दीक्षा लेना अनिवार्य है। दीक्षा लेने के पश्चात आप लोग साधा से भी, जब चाहे साधा से भी करवाई जाएगी, आप जुड़ सकते हो। बाकी आज बात करेंगे हम लोग कंकाल भैरव की। कंकाल भैरव क्या होता है, कंकाल भैरव कौन सकती है और क्या कार्य करती है। कंकाल भैरव शमशान की शक्ति है, भैरव है उस सारा शमशान में की जाती है। और सौम्य रूप में करना हो तो एकांत में कर सकते हो, घर पर नहीं हो सकती। घर के बाहर चार सदस्य रहते हो वहाँ नहीं हो सकती, एकांत कमरा वहाँ कर सकते हो, वरना खुली जगह में कर नदी किनारे कर सकते हो। पर अधिकतर ये साधना जो है कंकाल भैरव शमशान में की जाती है। संस्थाओं की जो भी शक्ति होगी साधना, वो संस्थान में होती है साधना। पर स्वामी का विधि विधान है जो घर पर कर सकते हो एकांत रूम में। कंकाल भैरव साधना शमशान में की जाती है और अमावस्या और रविवार को होता है। भोग वगैरह जो भी है विधि विधान जो को करना चाहता है वो हमारा संपर्क करते हैं, कैनेडा का संपर्क करें। कैनेडा का नंबर है 9773006246। आप लोगों को कुछ भी माहिती चाहिए, जानकारी चाहिए, आप मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, वॉइस मैसेज या मैसेज लिख दें। जब कब हम देखेंगे आपको रिप्लाई जरूर देंगे। कंकाल भैरव सारे कर्म करने में सक्षम है। जब ये सिद्धि प्राप्त होती है, आप कोई भी कार्य किसी बीमार ठीक करवा सकते हो, किसी वसीय करवाना चाहते हो, किसी के वहाँ कोई दुश्मन शत्रु कोई परेशान कर रहा है आपको, छुटकारा पा जाते हो, शत्रु को प्रताड़ित करना चाहते हो, सब संभव है। धड़के सारे मार खोल देती है, सुख शांति आती है और षटकर्म सारे कर सकते हो आप। षटकर्म क्या आता है आपको पता है, सारे षटकर्म कर सकते हो। षटकर्म में हमेशा अच्छे कर्म करो, यदि बुरे कर्म करवाते रहोगे शक्ति ज़्यादा रहेगी नहीं। इसलिए हमेशा लोगों को भले कर्म करोगे शक्ति ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी आपके पास, और आपका भला होगा, लोगों का भला भी होगा। आप ये शक्ति के माध्यम से जब ये साधा कर जाते हैं, हम बैठते हैं शमशान में, उस समय एक भोग होता है। वो भोग रहा मैं सोशल मीडिया में नहीं बताऊंगा, अभी पूर्ण विधान बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बताने के बाद लोग सुनकर पहुँच जाते हैं, साधा कर बैठ जाते हैं बिना गुरु के। ये साधना बिना गुरु के आदेश से नहीं करनी चाहिए, किसी गुरु के आदेश से मार्गदर्शन नीचे अंदर करनी चाहिए। शमशान में भोग वगैरह ले जाकर अर्धरात्रि में 11 बजे साधा शुरू हो जाती है, करनी होती है। और शमशान में वहाँ आहुति देनी होती है, आहुति देते रहो जैसे आप शमशान में तामसिक सात्विक आहुति। शक्ति जब प्रकट होती है तब शमशान का पूरा माहौल, पूरा समझ लो कि एक तूफान आ गया वैसा हो जाता है, शांत माहौल रहता नहीं है। शमशान वैसे शांत होता है, पर जब ये शक्ति आती तब वो समय शांत नहीं रहता है। उस समय आप विकराल रूप में भी आते हैं शमशान, जिस भैरव जब सामने आते हैं कंकाल भैरव, उस समय वहाँ का माहौल बहुत ही बहुत बुरा होता है।
निडर व्यक्ति भी कर सकते हैं, बाकी कोई व्यक्ति दिल का जो कमजोर व्यक्ति है वो नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग पहले पहले अघोर के अंदर प्रारंभिक साधा करने का विधान देते हैं, क्योंकि आगे जाके चलते हुए साधा कभी भी करनी हो तो दिक्कत ना हो। ये साधना अधिकतर जो शमशान साधना सब करने चाहते हैं और जो निडर है वो लोग कर सकते हैं, ग्रस्त भी कर सकते हैं, विधान है उसका। पर ग्रस्त को सीधा सत्य साधना नहीं करवाते हैं, उचित व्यक्ति को करवाते हैं, उचित शिष्य को करवाते हैं। जब स्थिति सामने आएगी उस समय जो निडर होगा उसे कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी दिल कमजोर वाला करते हैं तो कुछ बुरा हो सकता है, गिर के बाहर निकलना नहीं होता। और जब शक्ति सामने आ जाए तो वचन लेना होते हैं। वचन तीन वचन आप लोगे, तीन वचन शक्ति देगी, उसके बाद ही आपकी स्थिति कहलाएगी। आप शक्ति को किसी के पीछे लगा दो, दूसरे के पीछे वचन के कर्मों के लिए, विद्योषण के लिए, कि किसी का कोई बीमार व्यक्ति है उसके लिए, तो कुछ भी करा सकते हो आप कार्य। पलट चपते कार्य करती है, पर शक्ति उग्र होती है, घोर तामसिक साधदाई है। तो जिस किसी को साधना करनी हो, मदद चाहिए, पहले कहने से दीक्षित हो जाओ। मैं कहने का नंबर फिर से बता रहा हूँ, मैं 9773006246। हमारे केंद्र से अकोर दीक्षा लेकर आप साधना सीख सकते हो, साधना जगत में आगे बढ़ सकते हो। आदेश आदेश, जय श्री महाकाल।